खबर अलीगढ़ से है, जहां पर लाउडस्पीकर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने प्रशासन के द्वारा मना करने के बावजूद, अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अलीगढ़ में लाउडस्पीकर लगा दिया है और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा शहर के प्रमुख 21 चौराहों पर पिछले दिनों लाउडस्पीकर लगाने का ऐलान किया गया था और लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का प्रसारण करने का ऐलान किया गया था। आज अलीगढ़ के कुंदन नगर में लाउडस्पीकर लगा दिया गया है और उस पर हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा अभी अनुमति नहीं मिली है, बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने लाउडस्पीकर लगाने की शुरुआत कर दी है। हिंदू संगठन से जुड़े युवा शिवांग तिवारी ने बताया कि हम लोगों ने पहले ही प्रशासन को अवगत करा दिया था और आज इसकी शुरुआत एक कॉलोनी से कर दी गई है। कार्यक्रम आपके द्वारा आज रखा गया है? मेरा नाम शिवांग तिवारी है और आज हमने अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने ACM फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तों 10 के 10 लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई, उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउडस्पीकर ला के हनुमान चालीसा का पाठ कराया। और इसी तरीके से शहर के तमाम चौराहों पर ये लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जाएगा। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।